नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान में। दोस्तों आज हम AI जो करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको क्रायो कैन से स्ट्रा निकालनी है। स्ट्रा हमेशा स्ट्रा होल्डिंग फोरसेप से निकालनी है, फोरसेप आती है उससे निकालते हैं। उससे निकालने के बाद में स्ट्रा को एक दो बार हवा में ऐसे घुमाते हैं। उसके ऊपर जो लगी, ये देखिए आप, ये जो लगी हुई है LN2 है, इसको उठाते हैं और जो थोइंग टेम्परेचर पे, जो थोइंग के लिए जो है इसमें 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी गर्म है उसमें डालते हैं। ये जो है लगभग हम 30 सेकेंड तक रखते हैं इसको पानी में। उसके बाद में हमें गन लेनी है और गन और शीत लेनी है। शीत के ऊपर से जो शीत कवर आता है, एक प्लास्टिक की थैली आती है, उसको हटाना है। इसको जो है हमें ध्यान रखना है कि इसको पूरा नहीं हटाना है, क्योंकि इसको हम जल्दी से अगर पहले ही पूरा हटा देते हैं तो इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इधर उधर लगती हैं तो इससे जो है संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्ट्रा के जो ऊपर शीत कवर के लगा होता है शीत के ऊपर, उसको नहीं हटाना है। गन को अंदर डालना है और डालते समय हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है फैक्ट्री सील की तरफ से अंदर डाला जाता है और स्ट्रा जो है अंदर डाली जाती है और लेबोरेटरी सील को काटते हैं स्ट्रा कटर की सहायता से। स्ट्रा को हमेशा जो है वो सीधी काटी जाती है। तिरछी काटने पे क्या होता है कि जो है वो सीमन जो है वो शीत के अंदर ही रह जाता है। और एक बार हल्का सा पुश करके हमें देखना है कि जो है वो सीमन अच्छी तरह से बाहर निकल रहा है या नहीं शीत से। नहीं तो अगर स्ट्रा अगर सही नहीं कटी है तो शीत के अंदर ही हम पुश करते हैं तो अंदर शीत के अंदर ही वो रह जाता है, शीत से बाहर नहीं निकलता है। ये सब सारी प्रक्रिया स्ट्रा निकालने से पहले आपको पशुओं को जो है अच्छी तरीके से काबू में करवाना है, बंधवाना है, ताकि ये जो स्ट्रा बाहर निकालने के बाद में जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे और स्ट्रा के अंदर जो सीमन है वो ख़राब नहीं हो। ये जो है रेक्टम की तरफ से हाथ डालते हैं और गोबर को बाहर निकालते हैं। गोबर को अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे, हाथ को जो है लुब्रिकेट कर लेंगे, थोड़ा लुब्रिकेट लगा लेंगे, कोई भी ऑयल वगैरह, और गोबर को बाहर निकालना है। 45 डिग्री के एंगल से हमें जो है इस समय देखिए आप जो है शीत को, अभी मैंने अब ये बाहर निकाला है, ये शीत को बाहर निकाल के नीचे गिरा दिया है, अब अंदर डाल रहे हैं। ये 45 डिग्री के एंगल से डाल के फिर बाद में हम सीधा करते हैं, सीधा सीधी करते हैं गन को। ये रेक्टम की सहायता से हम सर्विस को पकड़ते हैं और बिल्कुल स्मूथ जो है जिस हाथ से हमने गन को पकड़ रखा है, गन को बिल्कुल जो है आपको स्मूथ हाथ से रखना है। गन से हैं जो ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे नहीं करते हैं, नहीं तो जो है उसकी जो अंदर की जो लेयर होती है सर्विस की, वो उसमें डैमेज हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है ये जो है। और मिड ऑफ सर्विस में देखिए जो है मैंने गन को जो है अंदर डाल रखा है यूट्रस हॉर्न तक, लेकिन इसको जो है हम बाहर की तरफ खींचते हुए सीमन को जो है पुश करेंगे। देखिए मैं पुश कर रहा हूँ और बाहर की तरफ जो गन को खींच रहा हूँ। उसके बाद में जो पल्पर लिप्स होते हैं उस पर जो हल्की सी मसाज करते हैं, इससे जो पशु में जो है एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से कंची होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें।